आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रप्स एंड एलोट्रोपिज्म तो आइए जानते हैं एलोट्रप्स होता क्या है तो एलोट्रप्स का अगर हम हिंदी का बात करें तो एलोट्रप्स का हिंदी होता है अपरूप अब अपरूप क्या होता है ये जानो किसी भी चीज़ के दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग अगर रूप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरूप ठीक है कोई भी चीज़ हो अगर उसके दो या दो से अधिक रूपों में वो एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरूप तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलो को कि एलो क्या होता है तो देखिए द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट ठीक है तो किसी एलिमेंट का ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें वो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एलो ठीक है तो एलोट्रॉप्स जो होता है मेनली अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है उसके तीन एलोट्रॉप्स हैं जैसे कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के कितने एलोट्रॉप्स हैं थ्री एलोट्रॉप्स हैं तो एलोट्रॉप्स की एक खासियत होती है कि वो तीनों सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा क्या करेगा तीनों सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा यानी वहाँ पे जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा फिजिकल स्टेट सेम होगा अगर किसी का दो एलोट्रॉप है तो दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होगा सेम होगा जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए एलोट्रॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट यानी कि अगर किसी एलिमेंट के दो एलोट्रॉप्स हैं तो दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होंगे यानी कि अगर दो हैं तो दोनों सॉलिड होगा ठीक है अगर तीन है तो तीनों सॉलिड होगा अगर लिक्विड में है तो तीनों लिक्विड होगा और गैसियस स्टेट में तीनों गैसियस स्टेट में होगा अगर हम ऑक्सीजन के एलोक्ट्रॉप्स के बात करें तो इसका होता है तीन एलोक्ट्रॉप्स ठीक है एक डाई एक ट्राई और एक टेट्रा ऑक्सीजन डाई यानी कि ओ टू ट्राई ओ थ्री जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं ठीक है और एक टेट्रा ऑक्सीजन यानी कि ओ फोर तो ऑक्सीजन के तीन एलोक्ट्रॉप्स होते हैं ओ टू ओ थ्री और क्या होता है ओ फोर बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है तो कार्बन के यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं तो बेसिकली कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड ग्रेफाइट एंड बक मिंस्टर फुलेरिन ऐसे इसका जनरली हम लोग सिर्फ फुलेरिन ही बोलते हैं बक मिंस्टर फुलेरिन जो है साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग डायमंड में आते हैं ठीक है तो यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर है ठीक है तो डायमंड में क्या होता है कि इसमें एक कार्बन डायमंड के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन ठीक है ये चार कार्बन के साथ अटैच होता है एक कार्बन चार कार्बन से क्या होता है अटैच होता है और हम लोगों को पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है फोर तो इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाता है ठीक है ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन का यूज करके बॉन्ड बना लेता है और कार्बन के पास किसी भी कार्बन के पास डायमंड के अंदर किसी भी कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल सेप में होता है कैसे होता है हेक्सागोनल सेप में और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि देखिए एक कार्बन जो है ठीक है ये तीन कार्बन के साथ क्या है अटैच है एक कार्बन तीन कार्बन से क्या होता है अटैच होता है तो अगर एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है फोर ठीक है तो हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है यानी इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ये अगेन ये फिर तीन कार्बन के साथ क्या होगा अटैच रहेगा ठीक है और इसके पास भी क्या होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है यहाँ पे ठीक है अब हो गया तो ये तीन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहेगा अटैच रहेगा ठीक है एक इधर और दो ये हो गया तो इस तरह से क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और इस वजह से ग्रेफाइट क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ठीक है आइए और हम जानते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा होगा कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं हर एक कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है जबकि डायमंड क्या होता है ये बैड कंडक्टर होता है क्योंकि डायमंड क्रिस्टल के अंदर किसी भी कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ठीक है अब देखिए डायमंड्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी हम लोगों को पता है कि डायमंड का यूज जनरली ज्वेलरी बनाने में किया जाता है उसके बाद जो सिंथेटिक डायमंड आता है उसका यूज होता है कि बनाने में ग्लास कटर जो आता है जिससे ग्लास को काटा जाता है तो ग्लास कटर का जो ठीक है तो ग्लास कटर जो होता है उसको बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है उसके बाद एक और चीज़ है कि पाउडर जो ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है उसका यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में कहाँ पे जो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी मशीन के वहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर का यूज किया जाता है एज़ अ ल्यूब्रिकेंट ठीक है उसी तरह से ग्रेफाइट का यूज हो और होता है पेंसिल लीड्स में ठीक है और ड्राई सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट का यूज